बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल है, ना किसी बात की चिंता और ना कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह तो जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना से चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में फंसते जाते हैं। इसी दलदल से निकालने के लिए सीमापुरी इलाके के सीमापुरी SDM ने विशेष अभियान के तहत करीब 13 बच्चों को मुक्त कराया। जिन 6 कारखानों में बच्चे काम कर रहे थे उनको भी सील किया गया। सहादरा जिले के सीमापुरी इलाके के सुंदर नगरी में कारखानों में बाल मजदूरी की शिकायतें दिन प्रतिदिन आ रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इलाके के SDM ने स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से इन अवैध रूप से चल रहे कारखानों में रेड डाली। इस रेड के दौरान 13 बाल मजदूर इन कारखानों में काम करते पाए गए, जिनको पुलिस की सहायता से मुक्त कराया गया। मतलब जो चाइल्ड लेबर है, बाउंड्री लेबर, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन आज किया जा रहा है। जैसे हमने आज 6 जगह चाइल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें 14 बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं, जिनकी उम्र जो है 7 से लेकर और मतलब बिलो 15 ईयर्स है, 15 साल से नीचे गए सारे और 7 साल के बीच में है। सुंदर नगरी में चला गया है और 6 इंडिजिनस परमिशन से हमने अलग अलग जगह से ना एक एक करके एक जगह से 9 बच्चे रेस्क्यू किए हैं, बाकी जगह से एक एक किए हैं। बिंदी मेकिंग और ऑटो रिपेयरिंग वर्कशॉप जो है, तो मोटरसाइकिल वगैरह की रिपेयरिंग होती है ना, और ज्यादातर बिंदी मेकिंग वाले थे। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है गरीबी को खत्म करना, इन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कराना। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं, आम जनता भी इसमें सहभागिता जरूरी है। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। Thank you.